फैक्ट नंबर एक, टॉयलेट साफ करने वाली महिला को कैसे पद्मश्री जैसा सम्मान मिल गया, जानेंगे इस वीडियो में। जी हाँ गाइस, एक कहानी है राजस्थान में रहने वाली उषा चौमार की, जिन्हें दलित होने की वजह से महज 7 साल की उम्र से ही टॉयलेट साफ करने का काम शुरू करना पड़ा था। गंदगी उठाने और सड़कों की साफ सफाई करने के अलावा उनके पास दूसरा कोई कमाई का जरिया ही नहीं था, इसलिए उषा जी ने इसे अपनी तकदीर और मजबूरी समझ लिया था। लेकिन तभी उनकी मुलाकात सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर डॉक्टर पाठक से हुई, जिन्होंने उन्हें सिलाई सीखने की सलाह दी, जिसके बाद उषा जी ने नई दिशा एनजीओ की मदद से सिलाई सीखी और फिर अपने गाँव की महिलाओं को भी इस कला से जोड़ा। उनके इसी हुनर और जज्बे को देखते हुए कुछ सालों में उन्हें इसी एनजीओ का प्रेसिडेंट बना दिया गया, जिसके बाद उनकी इस पहल ने उन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिलवाया। फैक्ट नंबर दो, गाइस एक बार गांधी जी ट्रेन में साउथ अफ्रीका जाने के लिए सफर कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा था, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फर्स्ट क्लास का टिकट सिर्फ गोरे लोगों के लिए उस वक्त था। असल में उस समय साउथ अफ्रीका में रंग भेद चरम पे चल रहा था, इसलिए वहां की ट्रेनों में भी फर्स्ट क्लास को गोरे लोगों के लिए रिजर्व कर रखा था और सेकंड क्लास काले लोगों के लिए था, जिसमें भारतीय भी शामिल थे। लेकिन इस बात से अनजान गांधी जी फर्स्ट क्लास में टिकट करवा बैठे और जब उनमें बैठे लोगों की नजर गांधी जी पर पड़ी तो गोरे लोगों ने गांधी जी को धक्के मार मार कर ट्रेन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। गांधी जी ने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। लेकिन गोरों ने गांधी जी की एक भी नहीं सुनी। गांधी जी को इस घटना से बहुत दुख हुआ और तब गांधी जी ने डिसाइड किया कि जब तक मैं इस रंग भेद को खत्म नहीं कर दूंगा मैं यहां से जाऊंगा नहीं। और फिर शुरू हुआ गांधी जी का पहला सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी ने अपने जीवन के 21 साल लगा दिए। तो चलिए आज श्री कृष्ण के बारे में एक तथ्य जानते हैं। ये तो आपने सभी ने सुना होगा कि श्री कृष्ण भगवान की 16108 रानियां थी, और शायद इसी तर्क पर कई लोग हिंदू धर्म में एक से अधिक शादी को सही ठहराते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी। दरअसल ये बात है उस समय की, जब एक नरकासुर नाम का राक्षस राजा राज्य की सुंदर स्त्रियों का अपहरण करके उन्हें कैद कर लेता था। और जब ये बात श्री कृष्ण भगवान को पता चली तो उन्होंने राक्षस का वध कर दिया और सभी स्त्रियों को मुक्त करा दिया। लेकिन जब वो सारी स्त्रियां अपने घर लौटी तो उनके पति और पिता दोनों ने ही उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। इससे दुखी होकर सारी स्त्रियां रोती बिलखती श्री कृष्ण के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची, और तब श्री कृष्ण ने सभी को अधिकार दिया कि पहचान पूछे जाने पर वो खुद को श्री कृष्ण भगवान की पत्नी बता सकती हैं।